गुड मॉर्निंग बेटा, आज हम आरोह का लेसन 1 नमक का दारोगा पाठ की व्याख्या समझेंगे, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित यह कहानी कर्मों का फल में विश्वास दिलाती हुई कहानी है। कहानी में मानव मूल्यों का आदर्श रूप दिखाया गया है और उसे सम्मानित भी किया गया है। सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा और कर्म प्रायणता को विश्व के दुर्लभ गुणों में बताया गया है। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत की है। कहानी आज़ादी से पहले की है। नमक का नया विभाग बना। विभाग में ऊपरी कमाई बहुत ज़्यादा थी। सभी व्यक्ति इस विभाग में काम करने को उत्सुक थे। उस दौर में लोग प्रेम की कथाएं पढ़कर उच्च पदों पर पहुंच जाते थे। मुंशी वंशीधर भी महत्वपूर्ण विषय जैसे इतिहास को छोड़ प्रेम गाथाओं का ज़्यादा अध्ययन कर रोजगार की खोज में निकल पड़े। तो जब मुंशी प्रेमचंद को भी पता लगा कि नमक विभाग में नौकरियां निकली हुई हैं, तो वह भी नौकरी की खोज में निकल पड़े। जब वो निकल रहे थे तो उनके अनुभवी पिता ने उन्हें समझाया और घर की दुर्दशा के विषय में बताया और कहा कि घर की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए नौकरी करनी चाहिए। उन्होंने मुंशी वंशीधर से कहा कि पद का चुनाव प्रतिष्ठा के आधार पर नहीं बल्कि कमाई के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मासिक वेतन पूर्ण मासी के चांद की तरह होता है, जो महीने में एक बार दिखता है और धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, जबकि ऊपरी आय एक ऐसा बहता स्रोत है जिससे व्यक्ति जब चाहे उसमें हाथ धो ले। महीने की कमाई को वह मनुष्य की देन, तो वहीं ऊपरी कमाई को वह ईश्वर की देन बताते हैं। वंशीधर पिता से आशीर्वाद लेकर नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं। भाग्य से और उनकी विद्वता से नमक विभाग के दारोगा पद की नौकरी वंशीधर को मिल जाती है, जिसमें वेतन अच्छा था, साथ ही ऊपरी कमाई भी बहुत ज़्यादा थी। यह खबर जब मुंशी वंशीधर के पिता को पता चली तो वह बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। मुंशी वंशीधर ने 6 महीने में अपनी कार्यकुशलता और अच्छे आचरण से सभी अफसरों का मन मोह लिया, उन्हें मोहित कर लिया। जाड़े के समय एक रात वंशीधर अपने दफ्तर में सो रहे थे। उनके दफ्तर से 1 मील पहले जमुना नदी थी, जिस पर नावों का पुल बना हुआ था। वंशीधर सो रहे थे, तभी उन्हें गाड़ियों की आवाज़ और मल्लाहों की कोलाहल की आवाज़ सुनाई दी, जिस कारण उनकी नींद खुल गई। बंदूक जेब में रखी और घोड़े पर बैठकर पुल पर पहुंच गए। वहां गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। उन्होंने पूछा किसकी गाड़ियां हैं, तो उन्हें पता चला कि यह गाड़ियां पंडित आलोपी दीन की हैं। मुंशी वंशीधर चौंक पड़े। पंडित आलोपी दीन उस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का व्यापार करते थे। वंशीधर ने जब जांच किया तब पता चला कि गाड़ियों में नमक के ढेले के बोटे हैं। उन्होंने गाड़ियां रोक ली। पंडित जी को यह बात पता चली तो वह अपने धन पर विश्वास किए वंशीधर के पास पहुँचे और उनसे गाड़ियों के रोकने के बारे में पूछा कि भाई तुमने हमारी गाड़ियां क्यों रोकी हैं। पंडित जी ने वंशीधर को रिश्वत देकर गाड़ियों को छोड़ने को कहा, परंतु वंशीधर अपने कर्तव्य पर अडिग रहे।
और पंडित जी को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। पंडित जी ने बहुत मिन्नतें की कि आप ऐसा ना करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन वंशीधर पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा। पंडित जी ने 40,000 रुपये तक की रिश्वत देने की पेशकश की, लेकिन धर्म ने धन को अपने पैरों तले कुचल दिया और बादल सिंह को मुंशी वंशीधर ने हुक्म दिया कि पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन बादल सिंह पंडित आलोपी दीन का हाथ पकड़ते हुए डर रहा था। फिर वंशीधर ने ही पंडित आलोपी दीन को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन यह खबर सारे शहर में फैल गई। पंडित आलोपी दीन के हाथों में हथकड़ियाँ डालकर अदालत में लाया गया। अदालत में चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी, सब पंडित आलोपी दीन के व्यवहार की निंदा कर रहे थे। हृदय में ग्लानी और शोक और लज्जा से पंडित आलोपी दीन की गर्दन झुकी हुई थी। सभी लोग चकित थे कि पंडित जी कानून की पकड़ में कैसे आ गए। सारे वकील और गवाह पंडित जी के पक्ष में थे। वंशीधर के पास केवल सत्य था और सत्य का बल था। न्याय की अदालत में पक्षपात चल रहा था, अर्थात पंडित आलोपी दीन ने अदालत में उपस्थित वकील, जज सबको अपने पैसे के बल पर खरीद लिया था, इसीलिए मुकदमा तुरंत समाप्त हो गया। पंडित आलोपी दीन को सबूत के अभाव में रिहा करने का आदेश दे दिया गया। साथ ही साथ वंशीधर के उद्दंडता और विचारहीनता के वर्ताव पर अदालत ने दुख जताया, जिसके कारण एक अच्छे व्यक्ति को कष्ट झेलना पड़ा और वंशीधर को भविष्य में ऐसा ना करने की हिदायत देकर छोड़ दिया गया। पंडित आलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले, रुपए बांटे गए, वंशीधर को व्यंग्य बाणों को सहना पड़ा। एक सप्ताह के अंदर कर्तव्य निष्ठा का दंड मिला और नौकरी से हटा दिया गया। तो क्या हुआ, बदले में पंडित आलोपी दीन ने अपने पैसों के बल पर वंशीधर जी की नौकरी को ले लिया, छीन लिया, समाप्त कर दिया। एक सप्ताह के अंदर कर्तव्य निष्ठा का दंड मिला और नौकरी से हटा दिया गया। पराजित हृदय शोक और खेद से व्यथित अपने घर की ओर चल पड़ा, अर्थात वंशीधर अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुँचे तो पिताजी ने कड़वी बातें सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, ज़्यादा ही ईमानदारी सूझती है, तुम भी रिश्वत ले सकते थे, तुम भी रिश्वत ले सकते थे। माँ ने भी रोना रोया कि अब मैं कैसे तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी। पत्नी ने भी कई दिनों तक सीधे मुंह बात नहीं की। धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। वंशीधर के पिता राम नाम की माला जप रहे थे, तभी वहाँ एक सजा हुआ रथ आकर रुका। पिता ने देखा पंडित आलोपी दीन हैं। उन्होंने झुककर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और चापलूसी भरी बातें करने लगे, साथ ही अपने बेटे को कोसने लगे। पंडित जी ने बताया कि उन्होंने कई रईसों और अधिकारियों को देखा और सबको अपने धन बल का गुलाम बनाया। ऐसा पहली बार हुआ जब कोई व्यक्ति अपनी कर्तव्य निष्ठा द्वारा उन्हें खरीद नहीं सका। उन्होंने वंशीधर के पिता से कहा कि आपका बेटा तो कुल का तिलक है, आप ऐसा ना कहें। वंशीधर ने जब पंडित जी को देखा तो स्वाभिमान सहित उनका सत्कार किया। उन्हें लगा कि पंडित आलोपी दीन
आज उन्हें फिर लज्जित करने आए हैं। परंतु पंडित जी की बातें सुनकर उनके मन का संदेह है अर्थात मैल मिट गया और पंडित जी की बातों को उनकी उदारता बताया। अर्थात पंडित आलोपी दीन ने कहा कि ये आपकी उदारता है जो आप मेरे लिए इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पंडित जी को कहा कि उनका जो हुक्म होगा वे करने को तैयार हैं। अर्थात वंशीधर ने पंडित आलोपी दीन से कहा, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। इस पर पंडित जी ने एक स्टैम्प लगा हुआ एक पत्र निकाला और उसे प्रार्थना स्वीकार करने को बोला। उन्होंने वंशीधर से कहा कि आपने वहाँ पुल पर नदी किनारे मेरी प्रार्थना नहीं मानी थी, आशा करता हूँ आज आप मेरी प्रार्थना को नहीं ठुकराएंगे। वंशीधर ने जब कागज़ पढ़ा तो उसमें पंडित जी ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया और 6,000 रुपये वार्षिक तनख्वाह, प्रतिदिन का खर्चा, सवारी और बंगला देने का ऐलान किया। वंशीधर की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि वे इस पद के योग्य नहीं हैं। इस पर पंडित आलोपी दीन ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें अयोग्य व्यक्ति ही चाहिए। वंशीधर ने कहा कि उनमें इतनी बुद्धि नहीं कि वह यह कार्य कर सकें। पंडित जी ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा कि उन्हें विद्वान नहीं बल्कि वही उद्दंड, धर्मनिष्ठ, कर्तव्यपरायण और ईमानदार दारोगा चाहिए जो उन्हें पुल पर मिला था। वो कहते हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप वैसे ही दारोगा बने रहेंगे। वंशीधर ने कांपते हुए मैनेजरी की कागज़ पर दस्तखत कर दिए। पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर को खुशी से गले लगा लिया। तो ये था हमारा पाठ नमक का दारोगा। अगली वीडियो में अगला पाठ समझाऊंगा।